पीएफ म्यूजियम में मौजूद है, परेड ग्राउंड में आप देख सकते हैं यहाँ आटा उतरना शुरू हो चुका है और छोटी मोटी ड्राइव नहीं कर रही है जेडीसी। जिस दिन से आफत आई है मैं अपने तमाम सैलाब मुतासरा भाइयों को डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, चाहे वो सिंध के हों, बलूचिस्तान के हों, चाहे जुनूबी पंजाब के हों, एक मिनट भी नहीं बैठ रहे हैं। आप पे आफत आई हुई है समझे, हम पे आफत आई हुई है। जिस तरह पीएफ को अभी हमने पाकिस्तान एयरफोर्स को 25,000 बैग राशन दिया तो उन्होंने अच्छे तरीके से वो एक एक जगह पहुंचाया, तो अब हमने इसको और बढ़ा दिया है। अभी हम 25,000 बोरे यहां पैक कर रहे हैं पीएफ बेस में और 50,000 बोरे हम सिंध रेंजर्स को दे रहे हैं, जो कि पीआईबी क्रिकेट स्टेडियम में पैकिंग शुरू हो गई। आटा वहां भी उतरना शुरू हो जाएगा आज रात से। 7.5 लाख किलो आटा उतर रहा है इन दोनों ड्राइवों में। चीनी 1.5 लाख किलो उतर रही है इन दोनों ड्राइवों में। दाल 1.5 लाख किलो उतर रही है। चावल 1.5 लाख किलो उतर रहा है। तेल 75,000 लीटर उतर रहा है। चाय की पत्ती 75,000 डब्बे। नमक 75,000 पैकेट है। इसके अलावा ये सब बातें बताने का मकसद सिर्फ ये कि देखें 25,000 मजीद यहाँ तैयार हो रहे हैं, 50,000 वहां हो रहे हैं, 1 लाख बोरे तो ये हो जाएंगे जो हमारी एजेंसी के थ्रू वहां तक पहुंच रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से सारा सामान पहुंच रहा है। इसी तरह से 4 ट्रक मेडिसन अभी रवाना हो रही है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो एसएसयू के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। सिंध पुलिस का जो स्पेशल यूनिट है, सैकड़ों डॉक्टर वहां रवाना हो रहे हैं। हमारा लड़का कैसर जवान इस वक्त डेंगू के अंदर आईसीयू में, जिंदगी मौत की कश्मकश में, उसके लिए दुआ करें। हमारे डोनर अदील मलिक साहब इस वक्त बहुत ज्यादा बीमार है, मलेरिया हो गया, तकलीफ में बेचारे पहले दिन से साथ थे, उनके लिए दुआ करें। और जितने भी लोग इस वक्त लाखों लोग कराची में डेंगू में मुब्तला हैं और उनके लिए दुआ करें, जो लोग बेचारे सैलाब मुतासिर मुसीबत में उनके लिए दुआ करें। सिर्फ एक गुजारिश अगर हमें मशीनें मिल गई मच्छर स्प्रे की, तो सिंध में और कराची में हम भरपूर तरीके से एक एक गली में मच्छर का स्प्रे करेंगे। लोगों की जानें बचानी है और सैलाब मुतासिरों के लिए हर हद तक कोशिश कर रहे हैं। सैकड़ों खेमे कल भी रवाना किए, कल मजीद 1 लाख मच्छरदानियों को ऑर्डर दे दिया है। जानवरों के लिए मच्छरदानियों को ऑर्डर दे दिया है। जो मच्छरदानियां 45,000 पहले ऑर्डर किया था उसकी डिलीवरी आनी शुरू हो गई, वो भी देनी शुरू कर दी है। एयरफोर्स को भी और तमाम इदारों को दे रहे हैं। ये वीडियो शेयर इसलिए कर दिएगा, देखें जब हम काम कर रहे हैं हम दिखाएंगे ताकि डोनर का कॉन्फिडेंस मजबूत हो। हमारे लोग मुसीबत में एक एक बोरे राशन के लिए लोग तड़प रहे हैं, तो राशन की ड्राइव को भी वैसे ही बढ़ाना पड़ेगा। मजीद भी अगर हमसे कोई रब्ता करता है हम और राशन देने की पोजीशन में, हम अपना ऑपरेशन नहीं रोकेंगे। आपको फिर बता दें, लोग हमारे मुसीबत में आए, आगे बढ़े, हमारे साथ जुड़ते चले जाएं। इंशाल्लाह ये जो 75,000 बोरे ये और जो 25,000 अभी पहले दिए, 1 लाख बोरे तो यही होगा समझिए एक हफ्ते के अंदर। और जो हम डेली ट्रक निकाल लें अपने पास से वो अलग है। साथ दें, हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। ये पीएफ म्यूजियम है, आप देख सकते हैं सामने के मराइल ये शारे फैसल के ऊपर है। और अगर आप चाहते हैं कि स्नेकी में अपना हिस्सा डालें, सही है, फाइनेंशियल हालात सही नहीं है, आ जाए पैकिंग में हिस्सा ले लें। रात में 10 बजे आए, 12 बजे तक अपनी फैमिली के साथ पैकिंग में हिस्सा ले चले जाए। परसों से पैकिंग शुरू हो जाएगी, सामान उतरना शुरू हो गया। जैसी अब शुगर मिलों से दाल आ रही है, चावल है, आ रहा है हैदराबाद से, चीजें आ रही हैं, ऑयल आ रहा है, सब जमा होने में 1 से 1.5 दिन लगेगा और ये ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। और फिर बता दूं, बहुत सारे लोग प्रोपेगेंडा करेंगे, बारिश आंधी सैलाब, हमें पता है भाई सैलाब के लिए, इसीलिए हमने पहले भी अपना एक एक चीज, ये आटा भी जो रखा हुआ है ना, ये पहले थैली में पैक होगा ताकि पानी से महफूज रहे, उसके बाद दालें सब थैली में। आप फिक्र ना करें, नेगेटिव जितने भी लोग प्रोपेगेंडा कर सकते हैं अपनी आखिरी हद तक जाएं। हम अपने लोगों को तना नहीं छोड़ेंगे उस मुसीबत में। तमाम सैलाब जदगान उम्मीद रखें, जेडीसी खड़ी है आपके साथ इंशाल्लाह। जब तक आपके साथ ये मुश्किल है, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हमारे डोनर्स को तौफीक दे, आपकी अमानत जो आ रही है आप तक हम पहुंचा सके। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, शेयर करने में आपको कोई मुसीबत कोई मुश्किल नहीं आएगी। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।